नमस्ते, कहाँ से हो बेटा? सर सहारनपुर। नमस्ते बेटी। सर ये एफपीओ है, हरियाणी फैट फार्मर के नाम से सहारनपुर। अभी इसमें 670 किसान है और इसमें से 60-70% जो है वो बीघी पर है और 40% इसमें महिलाएं हैं हमारी। तो हम अलग अलग प्रकार के फैट बनाते हैं, जामुन बनी है। तो जो हमारे किसान है सहारनपुर, ये अपने किसान ही कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे किसान अपने खेतों में रखते हैं डिप्ले या हाँ, जो अलग अलग करते हैं, जैसे एमपी में भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं, जहाँ संभावना होती है, जहाँ पर नेक्टर होगा ना, अलग अलग टाइम पे सर, तो अलग अलग है। तो इसके साथ भ्रमण करते रहते हैं? हाँ, भ्रमण करते हैं। और उसके बाद हम लोग उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, किसान वहीं पे देते हैं। बनने से उन्हें एक लाभ हुआ कि उन्हें एक तो अच्छा दाम मिल रहा है और हम लोग उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले जो हमारे किसान थे सर, वो जिला आप भी किसान है? हाँ जी, मेरा 3 साल पुराना काम मधुमक्खी पालन का। बिल्कुल ठीक, मधुमक्खी पालन है सर। मयंक सीईओ है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये एलोवेरा से भी बना रहे हैं सर? ये एलोवेरा हनी सोप है, ये शहद में है, बिक जाती है। हाँ सर, हमारा ये ONDC पे है, ONDC का जो माई स्टोर है वहाँ पे हमारा लिस्टेड हुआ था। तो इसमें जो हमारा FPI फास्टेस्ट 1 लाख की सेल भी करी थी और दिन के रोज के 15-20 ऑर्डर आते हैं। अभी कितनी होगी? अभी 20 लाख रुपए तक चला गया है एक साल के अंदर। एक साल? हाँ जी। तो पहले हमारा जो किसान का था वो उत्पादन वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। अब उत्पादन जितना करते हैं उसका कितने % बिक जाता है? सर उत्पादन तो हमारा अभी पूरा ही चल रहा है। अभी हमें भारत सरकार से नेशनल बी बोर्ड से हनी प्रोसेसिंग की यूनिट मिली है, 20 मैट्रिक टन पर डे की उसकी कैपेसिटी है। वो भी एक महीने में सर पूरा हो जाएगा लगने के बाद। उसके बाद हमारा टर्नओवर भी और जो हमारे किसान हैं उनकी आय में बहुत वृद्धि हो जाएगी। अभी हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये का हुआ है इस साल, पिछले साल 50 लाख का था। लेकिन अगर प्रोसेसिंग यूनिट जो लग जाएगी उसके बाद 5 करोड़ का टर्नओवर जाएगा। सर की हमारा ये जो है वो